आप सबका इजी गृहस्थी में स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको आने वाले सभी त्योहारों और व्रतों से संबंधित जानकारी, जैसे कि कोई व्रत और त्योहार कब है, व्रत में पूजा का शुभ समय क्या है और उसकी व्रत कथाएं क्या है, इस तरह की सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में जानेंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई को किया जाएगा और इस बार देवशयनी एकादशी पर दो शुभ योग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसमें साढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तक देव सो जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके दूसरे नाम विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरि शयनी एकादशी भी हैं। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, यानी कि मांगलिक कार्य, शादी ब्याह तो बिल्कुल भी नहीं किए जाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हालांकि व्रती को उसके व्रत का फल तभी मिलता है जब वह पूरे नियम और विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत करे और पाठ करे। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत का मुहूर्त, व्रत के नियम और व्रत कथा के बारे में। देवशयनी एकादशी शुरू होगी 19 जुलाई को 9:59 पर और यह एकादशी तिथि समाप्त तो होगी 20 जुलाई को शाम को 7:17 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 5:36 से लेकर सुबह के 8:21 तक। इस बार देवशयनी एकादशी पर शुभ संयोग बन रहा है। इस साल शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहा है और इन दोनों योगों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ योगों में गिना जाता है। इन दौरान किए गए कामों में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में किए गए कार्य से मान और सम्मान की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत के नियम। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपको सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। पहले ही दिन से आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और दांतों में ब्रश कर ही सो जाना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई कोई भूल या पाप के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और अगली सुबह यानी कि द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत पारण करना चाहिए और ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी। जब 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को श्री हरि ने नाप दिया और जब 3रा पग रखने लगे तब बलि ने अपना सर आगे रख दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उनको पाताल लोक दे दिया और उनकी दान भक्ति को देखते हुए वह वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, प्रभु आप सभी देवी देवताओं के साथ मेरे लोक पाताल में निवास करें। और इस तरह श्री हरि समस्त देवी देवताओं के साथ पाताल चले गए। यह दिन एकादशी का दिन यानी कि देवशयनी का दिन था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।